हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब ट्वेंटी फोर में तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पीटीटी 2022 का जो फीस रिफंड का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है जिसकी लास्ट डेट आपको 15 फरवरी से बढ़ाकर और इसको 21 फरवरी भी कर दिया गया था जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई है और पीटीटी 2022 की हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट भी आप तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश की है और जितनी भी यहाँ पर आपके जो सोल्यूशन है सब कुछ मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं तो आज की इस वीडियो में आपके जो कमेंट आ रहे थे उन्हीं ले उन्हीं को लेकर बात करने वाले हैं यानी कि फीस रिफंड का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद आपको कितने दिनों बाद आपकी फीस रिफंड होगी अपने खाते में जिया प्रिंट से दो हज़ार बाईस की पीटीटी की जो काउंसलिंग आपने करवाई है आपको कॉलेज नहीं मिला है तो उसका रिफ़ंड आपको कब मिलेगा ये बहुत बड़े आपका यहाँ पर मुद्दा बनकर आ रहा है कि कॉमेंट में ये बहुत ज़्यादा कॉमेंट पूछे जा रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो पिछले साल की दो दो हजार इक्कीस का जो फीस रिफंड का जो मिला था वो जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी उसके लगभग दिनों में ही आपकी यहाँ पर लास्ट डेट के डेट में ही आपका जो फीस रिफ़ंड का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया था कहने का मतलब यदि आपको पाँच मार्च को आपको यहाँ पर काउंसलिंग की लास्ट डेट थी तो पाँच मार्च के लगभग आपका फीस रिफंड हो गया था बहुत सारे स्टूडेंटों का लेकिन ध्यान देने की बात है कि सभी का एक साथ नहीं हुआ था का किसी का एक मार्च को हुआ था किसी का दस मार्च को किसी का पंद्रह मार्च को कहने का मतलब सभी का एक साथ फीस रिफंड नहीं होता है ठीक है तो बात करते हैं कि 2022 में जो आपका फीस रिफंड है 2022 का काउंसलिंग का फीस रिफंड कौन सी डेट में होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके जो फॉर्म है फॉर्म था आपको मार्च मार्च के लास्ट वीक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो काउंसलिंग है अप्रैल में आपके यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है ठीक है अप्रैल या फिर मई में ठीक है तो आपका जो फीस रिफंड होने वाला है अप्रैल का लास्ट वीक और मई का फर्स्ट वीक में आपका फीस रिफंड होने वाला है जी हाँ फ्रेंड्स आपका फीस रिफंड कब होगा ठीक है इस रिफंड आपका यहाँ पर कब होगा अभी यहाँ पर मार्च चल रहा है मार्च के बाद में आपको यहाँ पर अप्रैल चलेगा ठीक है अप्रैल और मई ठीक है अप्रैल और मई दोनों में आपको यहाँ पर इसका लास्ट वीक में मिलेगा अप्रैल का लास्ट वीक यानी कि इक्कीस से लेकर तीस अप्रैल के बीच में हो सकता है या फिर आपको यहाँ पर अप्रैल के बाद आपको यहाँ पर मई आएगा ठीक है मई की मई का फर्स्ट वीक यानी कि एक से लेकर दस तारीख के बीच में आपका फीस रिफंड हो सकता है तो ये अनुमानित डेट है पिछले साल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी उसी समय ही आपके जो फीस रिफंड हुआ है ठीक है तो आपका यहाँ पर दे सकते हैं जो आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है कब भरे जाएंगे आपके यहाँ पर मार्च आपको मार्च का लास्ट वीक में मार्च या अप्रैल में ठीक है मार्च का लास्ट वीक में या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 2023 के पीटीटी का ठीक है और आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है इकतीस मई को यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं तो मई को ही आपको यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट से इंफॉर्मेशन यही थी कि जो फीस रिफंड है कब होने वाला है आपको मैंने बताया है तो मैंने बताया अप्रैल का लास्ट वीक या फिर मई का फर्स्ट वीक में आपका फीस रिफंड हो जाएगा ठीक है और दो हजार तेईस के जो फीस सो फ्रेंड्स एग्जाम फॉर्म है आपका यहाँ पर चले चलेंगे कब से मार्च के लास्ट वीक से या फिर मई में ठीक है मार्च मई में आपका यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो जैसे उसकी ऑफिशियल सूचना आएगी दो हज़ार तेईस पी टी टी की तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट जानकारी के साथ उपलब्ध करवाऊंगा ठीक है तो वीडियो में आज जानकारी आपको अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत